नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज मैं आपके लिए प्रीनेटल योगा सेशन लेकर आई हूं, जो कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के लिए बिल्कुल सेफ हैं। आप इसका आराम से अभ्यास कर सकते हैं, बहुत जेंटल पेस पे हम करेंगे और आप सब इसे ईजिली कैचअप कर पाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी लगे कि किसी भी आसन में आपको कम्फर्टेबल फील ना हो रहा हो, तो थोड़ी देर के लिए आप ब्रेक ले लें और नेक्स्ट आसन से मुझे ज्वाइन करें। दूसरी बात ये कि अगर आपके डॉक्टर ने आपको रेस्ट सजेस्ट किया हो, तो प्लीज़ इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर अभ्यास के लिए अप्रूवल ले लें कि आप योगा करने के लिए फ़िट हैं या नहीं हैं। अगर कोई भी कॉम्प्लिकेशन होगी तो आपको डॉक्टर ज़रूर रेस्ट सजेस्ट करेंगे। चलिए अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। आराम से कम्फर्टेबली आप सुखासन में बैठ जाएं, पीठ सीधी, आँखों को बंद, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करें। मन को शांत रखने की कोशिश करें। धीरे से अपने आंखों को खोलें। साइड स्ट्रेचिंग से शुरू करेंगे। दोनों हाथों को अपने साइड में रख लें। एक लंबी सांस अंदर भरें। सांस छोड़ते हुए दाएं हाथ को उठाते हुए बाईं ओर झुकें। सांस छोड़ते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुकें। कंटिन्यू। हर बार सांस लेते हुए हम पीठ को सीधा रख रहे हैं, सांस छोड़ते हुए किसी एक दिशा में अपने बॉडी को बेंड कर रहे हैं। जेंटल रिदमिक मूवमेंट। एक और बार, पहले अपने बाईं ओर झुके और फिर धीरे से दाईं ओर, एंड रिलैक्स, पीठ सीधी। अब हम बद्ध कोणासना में आएंगे। अपने दोनों तलवों को जोड़ते हुए घुटनों को बाहर की ओर गिरने दें। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं, जितना हो सके अपने बॉडी को रिलैक्स रखना है। तो ज़बरदस्ती घुटने को बहुत नीचे पुश करने की कोशिश ना करें। जितना कंफर्टेबली गिर रहा हो उतना ही रखें। पीठ को सीधा रखना है। ध्यान रहे, कभी भी आपका कमर झुकना शुरू करे या आपको लगे कि आपके लोअर बैक पे प्रेशर बन रहा हो बैठते हुए, तो एक कुशन को अपने कमर के नीचे रखें। उससे ऑटोमेटिकली आपका हिप हल्का उठेगा और आप कंफर्टेबल फील करना शुरू करेंगे। ब्रीद। हल्का हल्का आप अपने पैरों को मूवमेंट दे सकते हैं बटरफ्लाई पोस्चर में। कंफर्टेबल ना लगे तो बिल्कुल अपने पैरों को स्थिर रखें। और फिर जेंटली रिलीज। फिर से सुखासन में आ जाएं और खुद को प्रिपेयर करें स्टैंडिंग पोस्चर्स के लिए। तो अपने मैट पे अब हम खड़े होंगे। आराम से अपने मैट पे खड़े हो जाएं। टेक योर टाइम और दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे फैलाएं या फिर थोड़ा सा और वाइड। यहाँ पे हम जेंटल स्क्वाट्स का अभ्यास करेंगे। आप अपने दोनों हाथों से मुट्ठी बनाते हुए अपने छाती के पास रखें। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ना है। ध्यान रहे, घुटनों को आगे की ओर नहीं गिराना है। घुटनों को अपने जगह पे ही मोड़ते हुए हिप को पीछे की ओर ले जाना है और स्क्वाट। सांस लेते हुए बॉडी सीधी, सांस छोड़ते हुए स्क्वाट। बस कंटिन्यू, कुछ देर हम करेंगे। एक, दो, तीन, चार,
5, रिलीज। इस बार स्क्वाट करते हुए 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। तो धीरे से आप स्क्वाट में आ जाए, बहुत कंफर्टेबल ना लगे तो अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए। अब कंफर्टेबल है तो जितना डीप आप चाहें उतना डीप आप स्क्वाट करें, बस 5 गिनती तक। 5, 4, 3, 2, 1, रिलीज। पैरों के लिए बहुत लाभदायक, काफ़ी मजबूती देगा। और अब धीरे से अपने पैरों को थोड़ा और फैला लें। आप मैट पे बने रहें चाहे तो आप इस तरह से चौड़ाई में आ सकते हैं। इस बार अपने दोनों पैरों की अंगुलियों को बाहर की ओर कर लें और आपका एंकल अंदर की ओर। ब्रीद। यहाँ पे हम डायनेमिक मूवमेंट करेंगे जिसमें हम गॉडेस पोस्चर में आएंगे। तो एक लंबी सांस अंदर लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए हथेली को जोड़ते हुए गॉडेस पोस्चर में। हिप को नीचे की ओर लाना है, घुटना बाहर की ओर खुले रहेगा। सांस लेते हुए बॉडी सीधी, सांस छोड़ते हुए गॉडेस। कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5। और इस बार गॉडेस पोज को होल्ड करेंगे। अगर आपको हाथ छाती के पास लाने में थोड़ी कठिनाई हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को जांघ पे रखते हल्का सपोर्ट ले सकते हैं। डीप स्क्वाट एंड ब्रीद, बस 5 गिनती तक। ये प्रेगनेंसी के लिए वन ऑफ द बेस्ट पॉस्चर है। 5, 4, 3, 2, 1, जेंटली रिलीज। दोनों पैर सीधा, धीरे धीरे दोनों पैरों को जोड़ लें, रिलैक्स। और अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। सांसों को बिल्कुल शांत रिलैक्स करने की कोशिश करें। अब हम हाई लंज, वीरभद्र आसना बी और फिर से गॉडेस का अभ्यास करेंगे दोनों साइड। यहाँ पे दाएं पैर को आगे रखते हुए धीरे से बाएं पैर को पीछे ले जाएं और हाई लंज में आ जाएं। ध्यान रहे घुटने को बहुत आगे की ओर पुश नहीं करना है, बिल्कुल आराम से दायां घुटना और दाएं एड़ी को एक लाइन में रखें। दोनों हाथ कमर पे, ब्रीद इजी। पूरा ध्यान सांस की ओर केंद्रित करें। कभी भी आपको लगे कि आपका बैलेंस बहुत अच्छा ना बन रहा हो तो हमेशा अपने मैट को दीवार के पास लगाएं, जिससे आप अपनी दीवार का सहारा ले सकें। और अब वीरभद्रासना बी में आने के लिए बाएं पैर को पूरी तरह से जमीन पर टिका लें। तो आपका बायां तलवा जमीन पर टिके रहेगा, दायां अभी भी मुड़ा रहेगा और दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबरी पर ले आए। अंगुलियां फैली हुई, हथेली जमीन की ओर। कंफर्टेबल लगे तो दाएं हाथ के बीच ली अंगुली की ओर देखते रहें। ब्रीद। धीरे से दोनों हाथ कमर पे लाते हुए दोनों पैरों को सीधा कर ले। फिर से गॉडेस पोस्चर का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को फैलाए रखें, फिर से अंगुलियों को बाहर की ओर कर ले, एड़ी अंदर की ओर, घुटना भी बाहर की ओर जाएगा। हमेशा सहारा ले सकते हैं आप वॉल का, अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपका बैलेंस बिगड़ रहा हो। और धीरे धीरे आप गॉडेस पोज में आ जाएं। दोनों हाथों को आप चाहें तो अपने जांघ पे टिका सकते हैं या फिर अपने छाती के पास ला सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। और बस ब्रीद।
ये थोड़ा चैलेंजिंग पोस्चर होता है, यहाँ पे आपके पैरों को मजबूती मिलती है, साथ के साथ आपके हिप के लिए भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग। बस कुछ देर और, अगर आपको थकान लगे तो थोड़ी देर आप ब्रेक ले सकते हैं, पीठ पैर को सीधा कर ले, कंफर्टेबल लगे फिर वापस गॉडेस पोज में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो वन इज जजिंग यू। और अब धीरे से दोनों पैर सीधा, दोनों पैरों को जोड़ लें और फिर से मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। सेम हम दूसरी ओर अभ्यास करेंगे, इस बार बायां पैर सामने की ओर ही रहेगा, दायां पैर को पीछे ले जाएं और हाई लंज में आ जाएं। बॉडी में स्टेबिलिटी लाएं, सामने एक स्थिर चीज की ओर देखते रहें, ऑटोमेटिकली आपका बॉडी थोड़ा और बैलेंस्ड फील करेगा, ये भी आपके पैर के लिए बहुत बहुत लाभदायक, पैरों में काफी मजबूती आएगी, टोनिंग भी होगी। ब्रीथ, वीरभद्र आसन बी में आएंगे, धीरे से अपने दाएं तलवे को जमीन पे ले आए, दायां पैर बिल्कुल सीधा हो जाएगा, बायां पैर अभी भी मुड़ा हुआ, दोनों हाथों को उठाते हुए कंधों के बराबरी पे ले आए और अपने बाएं हाथ के बीच ली अंगुली की ओर देखें। वीरभद्रासन, अभी छाती को आगे नहीं गिरने देना है, पीठ सीधा, धीरे से दोनों हाथ कमर पे, दोनों पैर सीधा, फिर से गॉडेस पोज, इस बार दोनों पैरों को फैलाए रखते हुए फिर से अंगुली बाहर की ओर रहेगी और दोनों हाथों को अपने कमर पे रखें या जांघ पे रखें, धीरे से गॉडेस पोज में आ जाएं। ये हमारे आज के अभ्यास का आखिरी गॉडेस पोज होगा, गिव योर बेस्ट, सांस लेते रहें, ओवर पुश नहीं करना है, जहां आपको लगे कि आप थक चुके हैं दोनों पैरों को सीधा करते हुए एक ब्रेक ले लें और फिर से मुझे ज्वाइन करें। बस ब्रीथ, 5, 4, 3, 2, 1, दोनों पैर सीधा एंड रिलीज, रिलैक्स, ब्रीथ। थोड़ी देर ब्रेक लेंगे, चाहे तो आप यहाँ पे वाटर ब्रेक ले सकते हैं, थोड़ी देर पानी पी सकते हैं और अब फिर से अपने पैरों को 3 से 4 फीट के डिस्टेंस पे फैला लें, इस तरह से ब्रीद, एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर को झुकाते हुए दोनों हाथों को जमीन पे ले आएंगे, इस तरह से। आप चाहें तो अपने अंगुलियों का सहारा लें, कंफर्टेबल हो तो पूरी तरह से पंजों को रिलैक्स करें। प्रसारित पद्मोत्तानासना, फॉरवर्ड फोल्ड, ब्रीद, चाहें तो आप पूरी तरह से सिर को रिलैक्स कर सकते हैं वरना पीठ को सीधा रखें, जो आपको ज्यादा बेहतर लगे। यहां पे हम एक जेंटल ट्विस्ट लेंगे, अपने दाएं हाथ को अपने चेहरे के नीचे ले आए, इस तरह से। आप चाहें तो अंगुली पे भी रह सकते हैं, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। एक सांस यहां अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाते हुए ट्विस्ट, चाहे तो आप बाएं हाथ की ओर देख सकते हैं, कंफर्टेबल ना लगे तो साइड की ओर देखें। बस 5 गिनती तक, 5, 4, 3, 2, 1, जेंटली रिलीज एंड रिलैक्स, दोनों हाथ नीचे, इस बार सेम स्ट्रेच दूसरी ओर, इस बार बायां हाथ चेहरे के नीचे, एक लंबी सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएं, दाएं हाथ की ओर देख सकते हैं या फिर साइड में, जो आपको बेहतर लगे। बस 5 गिनती तक, 5, चाहे तो आप अंगुली पे भी आ सकते हैं, 4, 3, 2 और 1, धीरे से अपने दाएं हाथ को रिलीज करें।
बॉडी में बैलेंस बनाए रखते हुए दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और धीरे से अपने पीठ को सीधा कर लें। दोनों पैरों को जोड़ लें। फिर से दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे रखे रहें, दोनों हाथों को कमर पे ले आएं। जेंटल हिप सर्कल्स, धीरे से अपने कमर को घुमाना शुरू करें किसी एक दिशा में। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, बस अपने कमर को थोड़ा रिलैक्स होने दे रहे हैं। उल्टे दिशा में, रिलैक्स। खड़े होते हुए हम साइड स्ट्रेचिंग करेंगे। दोनों पैरों को इसी तरह फैलाए रखना है जिससे आपका बॉडी में स्टेबिलिटी रहे। बायां हाथ नीचे रहेगा, सांस लेते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाते हुए हल्का बाईं ओर झुकें। ब्रीद। और फिर अपने दाएं हाथ को फिर से रिलैक्स कर ले। इस बार सांस लेते हुए बाएं हाथ को ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए दाईं ओर झुक जाएं। ब्रीद। और फिर से अपने बाएं हाथ को रिलीज करें, रिलैक्स करें और आराम से अपने मैट पे बैठ जाएं। थोड़ा हम अपने चेस्ट को ओपन करेंगे और फिर दो तीन और आसनों का अभ्यास करेंगे, फिर शवासना। दोनों पैरों को सामने ले आएं इस तरह से। दोनों पैरों के बीच में आप कमर के बराबरी का डिस्टेंस रखें या फिर अपने दोनों पैरों को मैट के बराबरी पर रखें। तो ध्यान रहे, पैर को अंदर नहीं लाना है, आपके बेली को स्पेस मिलना चाहिए। और फिर दोनों हाथों को इस तरह से पीछे रख लें। यहाँ पे कंधों को आगे की ओर नहीं गिरने देना है, हल्का छाती को खोल के पीठ को खोलने की कोशिश करें और सामने की ओर देखें। ब्रीद। बिल्कुल जेंटल मूवमेंट कुछ यहाँ हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा छाती काफी रिलैक्स फील करेगा। आपका शोल्डर ब्लेड्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा, छाती खुलेगा। यहाँ से हम चतुष्पाद आसना में जाएंगे। दोनों पैरों को इसी तरह से बनाए रखना है, अच्छे से पैरों को अपने मैट पे बनाए रखें जिससे आपको ग्रिप मिले। दोनों हाथों को भी अपने मैट पे अच्छे से बनाए रखें। एक लंबी सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को और अपने दोनों हाथों को प्रेस करते हुए धीरे से अपने हिप को ऊपर की ओर उठा लें। ब्रीद। 5 4 3 2 1 धीरे से कमर नीचे ले आएं और फिर अपने दोनों पैरों को जोड़ लें। आराम से बैठ जाएं। थोड़ा अपने शोल्डर को रिलैक्स होने दें। तो अपने शोल्डर्स को किसी एक डायरेक्शन में घुमाना शुरू करें, बिल्कुल जेंटल मूवमेंट। और फिर उल्टे डायरेक्शन में। एंड रिलीज, रिलैक्स। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा और स्ट्रेचिंग करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग्स और हिप्स के लिए। धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लें। टेक योर टाइम, कोई हड़बड़ी नहीं है। यहाँ पे आपको लगे कि आपका पीठ सीधा ना रह पा रहा हो तो आप अपने दोनों हाथों से हल्का अपने पीठ को सहारा देते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा कर लें। दंडासना। आप चाहे तो यहीं बने रहें, कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ लें कुछ इस तरह से। बहुत कंफर्टेबल लगे तो आप अपने पैरों के अंगुलियों को भी पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रहे, यहाँ पे ये चैलेंज नहीं है कि आप अपने पैर को छू सकते हैं या नहीं। बस अपने बॉडी को थोड़ा सा हम स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप पैरों के अंगुलियों को ना पकड़ पा रहे हों तो प्लीज़ अपने दोनों पैरों को इस तरह से पकड़ें, ज़बरदस्ती कुछ ना करें। एंड ब्रीद।
बस नेचुरली सांस लेते रहना है। एंड स्लोली रिलीज योर बॉडी। अब यहां से उपविष्ट कोणासना, वाइड लेग फॉरवर्ड फोल्ड, दोनों पैरों को जितना हो सके बाहर की ओर फैलाएं, कंफर्टेबली जितना हो सके, फोर्सफुली नहीं। अब यहां देख सकते हैं मेरा दोनों पैर एक्टिव है, इसका मतलब ये कि मैं अपने दोनों पैरों को इस तरह से गिरने नहीं दे रही हूँ सामने की ओर। दोनों पैर एक्टिव है, अंगुलियां मेरी ओर है। दोनों हाथों को आप अपने पीछे रखें और अपने छाती को खोले रखें इस तरह से। उपविष्ट कोणासना भी बहुत बेहतरीन आसना है प्रेगनेंसी के लिए। बस यहाँ बने रहें, बहुत कंफर्टेबल लगे तो दोनों हाथों को आप सामने भी ला सकते हैं। फिर से याद दिलाना चाहूँगी, कोई चैलेंज नहीं है, आप चाहें तो अपने पैरों की अंगुलियों को भी इस तरह से पकड़ सकते हैं। अपने वेरिएशन को चूज़ करें, तो आप अपने पैरों की अंगुलियों को पकड़ें, दोनों हाथों को सामने रखें, दोनों हाथों को पीछे रखें, जो आपको ज़्यादा बेहतर लगे। एंड जस्ट स्टे देयर, थोड़ी देर हम यहाँ रहेंगे। एक अच्छे स्ट्रेच को फील करना है। ब्रीद। धीरे से पीठ को सीधा कर ले, अपने दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों को अंदर की ओर ले आए। आराम से टेक योर टाइम और फिर से बद्ध कोणासना में आ जाए। दोनों तलवों को जोड़ते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है। हमेशा ध्यान रहे, कभी भी हम कोई भी सीटेड पॉस्चर कर रहे हों और अगर आपको लगे कि आपके कमर पे प्रेशर बन रहा हो, तो प्लीज़ एक कुशन को अपने कमर के नीचे ज़रूर रखें। आप कुशन पे बैठें और प्रॉप्स लेने में कोई भी हिचकिचाहट या शर्म आने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से प्रॉप्स का इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं है कि उससे आपको किसी भी आसन का फ़ायदा कम मिलेगा, आप और अच्छे तरह से उस आसन का लाभ उठा पाएंगे। बस ब्रीद है। यहाँ पे भी बिल्कुल रिलैक्स होकर आप चाहें तो अपने बॉडी को बिल्कुल स्थिर रख सकते हैं और कंफर्टेबल हो, और अगर आपको लगे कि आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो दोनों हाथों को इस तरह से सामने रखें, हथेलियाँ ऊपर की ओर, और हल्का सामने की ओर झुक सकते हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए। यहाँ ज़बरदस्ती अपने सिर को ज़मीन पर लाने की कोशिश ना करें, आपके बेली को ज़मीन से टच करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। यहाँ डीप जाना हमारा फोकस नहीं है, यहाँ फोकस है कि हम अपने बॉडी को बिल्कुल सरेंडर करके रिलैक्स होने दे रहे हैं। और धीरे से अपने पीठ को सीधा कर लें और आराम से सुखासन में आ जाएं। आज के अभ्यास को हम बस थोड़े देर जेंटल ब्रीदिंग लेके समाप्त करेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी, आंखों को बंद कर लें, बॉडी बिल्कुल रिलैक्स्ड। चाहे तो आप सिर को झुका सकते हैं या फिर सामने की ओर रख सकते हैं, जो आपको बेटर लगे। अपने दोनों हाथों को आप अपने बेली पे रख सकते हैं, अपने बेबी के मूवमेंट को महसूस करें। हो सकता है यहाँ पे आप अपने बेबी के मूवमेंट्स को भी फील कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द स्टेज ऑफ योर प्रेगनेंसी। बस जेंटली ब्रीद, मन में प्यारे से थॉट को लाएं, आपका बेबी आपके घर में बिल्कुल सुरक्षित है, आपका बेबी आपकी गर्भ में बिल्कुल खुश है। योर बेबी इज अ वेरी हेल्दी हैप्पी बेबी। चेहरे पे प्यारी सी स्माइल, पूरी तरह से अपने बेबी को ब्लेस करें, दोनों हाथों से अपने बेबी को नर्चरिंग फीलिंग दें। और अब धीरे से अपने आंखों को खोलें। धन्यवाद।
मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप प्राणायाम का और अभ्यास करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए वे लिंक को दबाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त संबंधियों में भी ज़रूर फॉरवर्ड करें। उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और अपना पूरा ध्यान रखें। धन्यवाद।